हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रतापगढ़ में पुलिस मुनादी पर राजा भैया और सरकार में ठन गई है। राजा भैया ने पुलिस मुनादी को संविधान से परे बताया है और कहा है कि जरूरत पड़ी तो सरकार से लड़ जाएंगे और इस मामले को विधानसभा के दोनों सदनों में उठाएंगे। बता दें कि पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस मुनादी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि वाहन चोर और अवैध हथियार रखने वाले अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले व चोरी का सामान उपयोग करने वाले भी जेल जाएंगे, यानी अपराधियों के साथ उसके पूरे परिवार को जेल भेजने का फरमान जारी किया गया था। इस मामले पर राजा भैया ने योगी सरकार से पूछा कि क्या ये कानून कहीं पास हुआ है या सिर्फ प्रतापगढ़ के लिए लागू किया जा रहा है। वो ये है कि क्या इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की कोई नीति सरकार ने बनाई है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपने वो देखा कि अपराध जो करेगा उसके घर वाले परिवार वाले सब अंदर हो जाएंगे, क्या ऐसी नीति कोई बनी है? और अगर बनी है तो क्या पूरे प्रदेश में लागू है या सिर्फ जनपद प्रतापगढ़ के लिए बनी है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात तो करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो दोनों सदन है वहाँ भी इस बात पूरे जिले में जो मुनादी की जा रही है उसकी पिटवाई जा रही है उसको लेकर के परिवार वालों से पूछताछ करें, परिवार वालों से ये पूछें कि तुम्हारा बेटा कहाँ है या वो अभियुक्त कहाँ है, ये तो एक बात समझ में आती। लेकिन अगर कोई चोरी की मोटरसाइकिल में पकड़ा जाता है, उसके यहाँ से मोटरसाइकिल बरामद होती है, पूरे घर को आप उठा करके माँ बहनों को और उनकी पत्नी को और सबको महिलाओं तक को अंदर कर रहे हैं, तो ये कानून के किसी दायरे में नहीं है। और कानून के दायरे में रह करके ही काम करना ये पुलिस प्रशासन और हम सब लोगों की ये मजबूरी भी है और ये दायित्व भी है, ये हम उसके सीमा रेखा का उल्लंघन न करें। वही SP देव रंजन वर्मा ने इस मुनादी का बचाव करते हुए इसको जायज ठहराया है और कहा है कि अपराध नियंत्रण के लिए इस तरह के कानून जरूरी हैं, लेकिन इस मुनादी पर अब संग्राम छिड़ गया है। मुनादी को लेकर योगी सरकार और राजा भैया आमने सामने आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुनादी के फरमान पर राजा के विरोध का योगी सरकार क्या तोड़ निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8।